नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सहारा इंडिया कंपनी में जितने भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उस भुगतान को लेकर के 30 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी, सुनवाई होने वाली है, जिसमें सहारा के निवेशकों का जो भुगतान फंसा हुआ है, इतने दिन से पेंडिंग में मामला पड़ा हुआ है, इसको लेकर कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है और निवेशकर्ता बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी बड़ा कदम उठाया जा रहा है और साथ ही साथ जो 30 जुलाई की डेट है, 30 जुलाई को पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई होने को है। शायद सुप्रीम कोर्ट को पोर्टल की दुर्गति जो है उसको संज्ञान में ले ले और हम लोगों का जो भुगतान है सहारा के कार्यालय के माध्यम से कर दे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है आज के इस वीडियो में। जो भुगतान हम लोगों का फंसा हुआ पड़ा है, ये भुगतान पोर्टल के माध्यम से न बल्कि सहारा के ऑफिस से ही मिलेगा, इसके ज़्यादा से ज़्यादा आसार मिल रहे हैं। आज डेट हो चुकी है 26 जुलाई 2024। अभी हाल ही में 23 जुलाई को भी बजट पेश किया गया संसद में, लेकिन 23 जुलाई के बजट में सहारा को लेकर कहीं पर भी नामो निशान का जिक्र नहीं किया गया। अब हम लोगों को केवल और केवल इंतज़ार करना है 30 जुलाई 2024 का। दोस्तों, तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, जैसा कि हमने आप सभी को बताया, 30 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई होने को है। अब 30 जुलाई 2024 को पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई होगी। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है शायद जो है सहारा रिफंड पोर्टल की जो दुर्गति चल रही है, हम लोग देख रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल किस तरह से वर्क कर रहा है, इस वर्क को शायद हटा देगा और हम लोगों का भुगतान सहारा के ऑफिस से ही किया जाएगा, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से हम लोगों का भुगतान न हो पाया है न हो पाएगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अभी 24 जुलाई को लगातार नई से नई अपडेट आ रही हैं। 24 जुलाई को यानी बीते दो दिन पहले 24 जुलाई को माननीय अमित शाह जी से सांसदों ने सहारा भुगतान को लेकर कई प्रश्न उठाए, सहारा में जो भुगतान फंसा हुआ है उस भुगतान को लेकर कई प्रश्न उठाए। तो सर्वप्रथम उन्होंने उनसे प्रश्न उठाया कि पिछले एक वर्ष से जब से आप सहारा रिफंड पोर्टल लाए हैं, क्या पोर्टल के माध्यम से किसी का भी भुगतान हुआ है? अगर हुआ है तो कितने निवेशकों में कितना भुगतान अभी तक हुआ है? तो उन्होंने अपना पूरा जवाब दिया। इसका जवाब हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, उसमें अगर देखना है देख सकते हैं। तो इस प्रकार से संसद में जो है सांसदों के द्वारा लगातार प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं भुगतान को लेकर के। हमने बताया था आप सभी को कि अगस्त महीने में हम लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा भुगतान से रिलेटेड, और सितंबर महीने में तो अपने केस की सुनवाई होनी ही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, उसकी डेट भी है 4-5 सितंबर को सुनवाई होनी है, तो उस डेट का इंतज़ार है। सबसे पहले दो दिन तीन दिन बचे हुए हैं 30 जुलाई वाले केस की जो सुनवाई होनी है, पिनक पानी मोहंती वाले केस की, इसकी सुनवाई होती है, फिर उसके बाद में अगले केस की इंतज़ार रहेगा हम लोगों को। तो जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप सभी को तुरंत चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे।
भुगतान के प्रति आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।